दुखद खबर पर नजर पकाइबा। विशिष्ट संगीतज्ञ शांतनु महापात्रक परलोक विलंबित राति रे भुवनेश्वर एक घरोई हॉस्पिटल रे तांकर परलोक होईछि। 85 वर्ष बयस रे तांकर देहांत होईछि। दुखद खबर जहां उपरे आमे आलोचना करूछे। विशिष्ट संगीतज्ञ शांतनु महापात्रक परलोक विलंबित राति रे भुवनेश्वर एक घरोई हॉस्पिटल रे तांकर परलोक होईछि। 85 वर्ष बयस रे तांकर देहांत होईछि। निहाती भावे ये गोटे दुखद खबर। विशिष्ट संगीतज्ञ संगीत जगत को ये गोटे बड़ झटका। विशिष्ट संगीतज्ञ शांतनु महापात्र परलोक होईछि एवं विलंबित राति रे भुवनेश्वर एक घरोई हॉस्पिटल रे तांकर परलोक होईछि। सारा संगीत जगत रे दुखर छाय कहिले किछ अत्युक्ति हेब नाही। 85 वर्ष बयस रे तांकर देहांत होईछि। तेबे 2020 रे अनेक दुखद खबर को आमे सामना करिछु एवं ये सेथि मध्यरु आउ गोटे दुखद खबर जहाँ वर्तमान समय आसी पहुँचुछि। विशिष्ट संगीतज्ञ शांतनु महापात्रक परलोक विलंबित राति रे भुवनेश्वर एक घरोई हॉस्पिटल रे तांकर परलोक होईछि एवं मृत्यु बेलकु तांकु 85 वर्ष होउथिला। संगीत जगत पई ये गोटे दुखद खबर। पूर्वरु भी अनेक नजर रहिछि। ऑलीवुड कथा कहिबा बॉलीवुड कथा कहिबा अनेक विशिष्ट कलाकार विशिष्ट व्यक्ति आमको छाड़ी परलोक को चली जाइछंती एवं सेथिमध्यर जदि देखिबा संगीत जगत पई ये गोटे दुखद खबर एवं विशिष्ट संगीतज्ञ शांतनु महापात्र को परलोक होईछि। विलंबित राति रे भुवनेश्वर एक घरोई हॉस्पिटल रे तांकर परलोक होईछि। 85 वर्ष रे तांकर देहांत होईछि। वर्तमान समय रो जहां दुखद खबर। विशिष्ट संगीतज्ञ शांतनु महापात्रक परलोक एवं 2020 रे आमे अनेक दुखद खबर रो सामना करिछे। अनेक कलाकार विशिष्ट कलाकार कथा कहिबा आमको छाड़ी आरपारी को चली जाइछंती। शोकर सागर रे भसई देइछंती एवं सेथि मध्यरु संगीत जगत कथा जदि कहिबा शांतनु महापात्र होउछंती अन्यतम। संगीत जगत प्रति तांकर अनन्य अवदान रहिछे एवं विशिष्ट संगीतज्ञ थिले शांतनु महापात्र तांकर परलोक होईछि। वर्तमान शोकाकुल परिवेश गोटे प्रकार सृष्टि होईछि एवं विलंबित राति रे भुवनेश्वर एक घरोई हॉस्पिटल रे 85 वर्ष बयस रे तांकर देहांत होईछि। विशिष्ट संगीत निर्देशक शांतनु महापात्रक परलोक। संगीत जगत पई गोटे कला दिन कहिले किछि भूल हबो नाही। अनेक अवदान रहिछि संगीत जगत प्रति तांकर जहाँकि केबे भूली हेबो नाही। एवं विशिष्ट संगीतज्ञ शांतनु महापात्रक परलोक विलंबित राति रे भुवनेश्वर एक घरोई हॉस्पिटल रे तांकर देहांत होइछि। अधिक आलोचना करिबा संपर्क रे आलोचना पई फोन लाइन रे रहिछन्ते शांतनु महापात्रक भाई देवाशीष महापात्र रहउछन्ते। श्री महापात्र स्वागत करिबे आपनकु कलिंग टीवी को। निहाति भावरे ये गोटे दुखद खबर जहाँ कि समस्त को विचलित करिछि। शांतनु महापात्र आउ आम गहनरे नाहांति। हाँ तांकर तो बयस होता 84 पूरी कि 85 चलता 85 पूरी था जानुरी 6 तारीख तांकर टिके श्वासकष्ट होला। शुक्रवार दिन तांकु घरे ऑक्सीजन दिया होतला। रविवार दिन संध्या बेले आमे नहीं कि रात्रि तांकु एडमिट कलु हॉस्पिटल ले। तापर तांकर सेठु किडनी टाकु अफेक्ट करला। लंग्स संगे किडनी फेल करबा आरंभ कला। तेणु रविवार रु मंगलवार भितर से माने दि थर डायलिसिस करबा चेष्टा करचंती। गत काल रात्र डायलिसिस होता समय शेष निश्वास त्याग कले। आज्ञा पूर्व से आउ के बे हॉस्पिटलाइज्ड हेथले ना प्रथम थर पई हॉस्पिटलाइज्ड हेथले एबे नो से बहुत पुराना त अलगा तांकर एमटी भी अन्य थिला टिके ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम थिला टिके शुगर प्रॉब्लम थिला से सब औषध खाई के ठीक ठाक थिले से तांकर संग मु गुरुवार संध्या बेले 2 घंटा टाइम कटै छी। शुक्रवार दिन त टिके टिके आरंभ होला। शनिवार रविवार दिन टिके बेसी हे गला एवं तांको नेके हम एडमिट कलु केयर हॉस्पिटल ले। रविवार राति रु मंगलवार राति 48 घंटा भितर से चली गले तांकर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होला। आज्ञा ए 2020 आमको अनेक दुखद खबर देछि श्री महापात्र एवं वर्तमान शांतनु महापात्र भी परलोक होइछि। निहाति भाबरे गोटे 2000 वर्ष सतरे निहाति भाबरे गोटे कला वर्ष कहले किछ अत्युक्ति हबो नाही। हां हां एक्चुअली एते एते बड़ दुख खबर खाली तो आम परिवार पई नु पूरा ओडिसा पई। आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद। फोन लाइन रे थिले शांतनु महापात्र भाई देवाशीष महापात्र रही थिले। निहाति भाबरे दुखद खबर। वर्तमान
फोलाइन रोचान्ती संगीत निर्देशक अमरेन्द्र महांती रोचान्ती श्री महांती आपको स्वागत करी आलोचना को शांतनु महापात्र परलोक संगीत जगत प्रति ये केते बड़ क्षति कथा शुणला बेलू एते विचलित लगुच प्रकृति रे ओडिशार सब संगीत जगत रु मान खुंट जो मैंने समस्ते चली जाऊ तेणु आज्ञा श्री महांती आम बुझीपुछ आप दुख से भांगी पड़ती भाव ये समस्त को स्तब्ध कर खबर निहाती भाव में समस्त को दुख कर तेज संगीत क्षेत्र जो कथा जो आम कह अनेक अवदान रही आपणकर सहित किसी विशेष मुहूर्त आपड़ सेयार करने को चाहिए जो मैंने घनिष्ठ आम मैंने बाबुना बोली डाकुल मोर पर सहित मानने बापा एवं मोर जेजे बापा एमाने बंधु थिले एवं तांको परिवार सहित मो परिवार एक संपर्क माने मु पिला दिनु तांको देखिछि आज नुहे एवं माने सी जो गीत करी जाइछंती ओडिसा पई ओडियांको पई एवं लता मंगेशकर हुंतु महोदयसी हुंतु जो माने केवल संगीत निर्देशन ही गई पारे कई पारि ना तेणु से गीत से मयूरुग हू तुमको पारुणी तो भूटी हू चुना चुना तारफुल मानने पीढ़ी पर पीढ़ी ये अमर हे गीत रही के लिभार नुहे शांतनु महापात्र से ओडिया मनरे सबुदिन सेमती जी रही सी मरवाटा केवल गोटे पार्थिव कथा किंतु सी हृदय समस्त बंची रही ओडिशा रे जिते ओडिया अच्छा ओडिशा बाहर भी आज्ञा निहाति भाव में आम कहीपर समस्त हृदय से सी चली जाइंट कि छाप छाड़ी जाइंट समस्त हृदय में समस्ते चिरदिन स्मरणीय हो रही से चिरदिन समस्त मन रखे तेज श्री महांती अनेक ओडिया चलचित्र से निर्देशना देखें मुग्ध कला भली गोटे चलचित्र कहतु कि गोटे संगीत कहतु जो थी सी निर्देशना दे थे जो मैंने गीत शुणी आपणकर भी मन अच्छी मयूरी को तुम गीत आपणकर भी मन अच्छी तुमको पारुनी तो भूली तेणु अनेक जिनस अक्षय महांती को नहीं कोणार्क गाथा से सब कथा कहले सृष्टि कथा कहले राति पाइव किंतु प्रत्येक सृष्टि भितर जो अनन्यता थिला सेटा केवल गोटे संगीतकार भाव अनुभव कर पारे किंतु तार मजा समस्त ओडिशावासी समस्त ओडिया नहीं सन्देह नहीं बिल्कुल श्री महांती बहुत बहुत धन्यवाद आपंक निहाती भाव में दुखद खबर एवं सी जो सब चलचित्र संगीत निर्देशना देखते निहाती भाव में तार छाप समस्त मन में रही वर्तमान आम सहित फोनलाइन जोड़ी होती सिने समीक्षक हरप्रसाद महापात्र जोड़ी होती श्री महापात्र स्वागत करी आपंक आलोचना को ये गोटे दुखद खबर एवं जदि 2020 वर्ष कथा कह सिने जगत पर ये गोटे अपूरणीय क्षति और आज शांतनु महापात्र परलोक श्री महापात्र ओडिया फिल्म जगत पाई एवं ओडिशा रा सिनेमा शिल्प पाई गोटे सबुठ बड़ दुख खबर एवं तांकर वियोग गोटे अपूरणीय क्षति जहाँ केबे भी पूरण हो पारना ना स्थान कहीं नहीं पारे ना आपत देखु 2020 गोटे एमती समय नहीं कि आसी मुझे कहि ओडिया सिनेमार अधा इतिहास लिभिगला से इतिहास को आम एपर्त संरक्षित कर रखिपारिना जहाँ भी रखीचु से इतिहास रो फर्दे दुई फर्दा साहित्य की रखीचु आमे जदि शांतनु सांक कथा कहिबा शांतनु महापात्र कथा कहिबा तो बालकृष्ण दास भुवनेश्वर भुवनेश्वर बाबू आउ अक्षय महांतिर जदि अक्षय महांति प्रफुल्लकर कंटेम्पररी जदि किए आउ जने आसंती पारालाली ताले सिए होउचंती शांतनु महापात्र प्रथम करी ओडिया
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସଙ୍ଗୀତକୁ ବାହାରେ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ବୋଲି ସେ ବାହାର ସିଙ୍ଗର ମାନଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ କାରଣ ସିଏ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ସଙ୍ଗୀତର ଦୁଇ ଜଣ ଦିଗ୍ଗଜଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଗୀତ ବୋଲେଇଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ରଫି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱର ସାମଗ୍ରୀ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର ଆଉ ସେ ଗୀତ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଗୀତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଫିଲ୍ମରୁ ଆଖି ବୁଝିକି ଗୋଟେ ଗୀତ ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ସବୁଯାକ ଗୀତ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରୋତାଙ୍କର ଶ୍ରୁତିରେ ଆଉ ଏବଂ ସ୍ମୃତିରେ ଆଜି ବି ସାଇତା ହେଇକି ରହିଛି ସେ ଆଜିର ସିଏ ଲୁହର ଶ୍ରାବଣୀ ହଉ କି ମୟୂରୀ ଗ ତୁମ ଆକାଶ ଦିନେ ମୁଁ ହଉ କି ଚିଲିକା ତୀରର ଯେକୌଣସି ଗୀତ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ଡୋରାର ଯେକୌଣସି ଗୀତ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଲାମଗିରିର ଗୀତ ବି ନିଅନ୍ତୁ ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ଗୀତ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତ କରିଛନ୍ତି ସେ ଇଭେନ୍ ଗୋଟେ ନୃତ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ସିନେମା ପାଇଁ ଯଦି ସଙ୍ଗୀତକାର କାହାକୁ ଖୋଜା ହଉଥିଲା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ହଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ର ତ ଆଜି ଆଜି ସମସ୍ତେ ପୁରା ମାନେ ଓଲିଉଡ କାହିଁକି ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମର୍ମାହତ ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବେ ମୋର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ପକ୍ଷରୁ ଆମର କାହାଣୀ ଗୀତ ପଛରର ସ୍ପେଶାଲ ଏପିସୋଡ କରିଥିଲୁ ତା ଦେହରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ର ଯାହାଙ୍କର ଦୁଇଥର ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନବାକୁ ପଡିଥିଲା କାରଣ ତାଙ୍କର ଏତେ ଭାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଉ ସଲିଲ ସଲିଲ ଦାଙ୍କର ଭାରତର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଲିଲ ଦାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସିଏ ଏତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କାଲକାଟାରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଏତେ ଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ସମୟରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ବିଗତ 6 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି ତାଙ୍କର ମେମୋରି ଫେଲ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ସିଏ କଥା କହୁ କହୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଟକି ଯାଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ହରପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ସିନେ ସମୀକ୍ଷକ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାରା ଫିଲ୍ମ ଜଗତ ପାଇଁ ଏବଂ ସିନେ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଇଏ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖଦ ଖବର ରହୁଛି ଏବଂ 2020 ବର୍ଷରେ ଅନେକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଯାହା ରହିଥିଲେ ସିନେ ଜଗତରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି।